हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। हमारी एक खुद की वेबसाइट है जिस पर हम और सर ने बहुत काम किया है, तो उसमें देखेंगे हम एग्ज़ाम कैसे देना है। ये बहुत दिनों में हमने बना पाई है, तो उसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। और जिसके लिए हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और अब आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग के अकाउंट में कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, वो देखना है। और उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका बाकी जो पोर्शन है वो आपके जो ओनर होंगे, कोचिंग के ओनर या जो वो भी हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बाकी जो यूजर पोर्शन है वो हम आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वेबसाइट पर जाना है, क्रोम खोलना है। क्रोम के अंदर वेबसाइट पर जाना है, www.hamaramitra.com। इसको जैसे ही गो करोगे हो जाएगा। फिर इस पर जाके सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सीधा सा सिंपल टाइप करो, ऊपर राइट में रजिस्टर है, रजिस्टर में जाकर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, कोचिंग नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इसमें ध्यान रखने वाली बस बात इतनी है कि जो आप कोचिंग नेम भरोगे ना, वो आपको वही भरना है जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या जिसका, YouTube चैनल है। हाँ, जिसका YouTube चैनल है या जिस कोचिंग में जाना चाहते हो, जिस कोचिंग से आप एग्जाम देना चाहते हो उसका नाम। तो अभी हमारा रहेगा इंग्लिश रिसर्च सेंटर। यस, तो अभी हम एक आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा। मैं सपोज करो आपका नाम है राम, डेट ऑफ बर्थ आपकी मान लीजिए सेट करना है इस तरीके से, डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लो जो आपकी ये डेट ऑफ बर्थ रही है। ईमेल, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे ईमेल और आपको पासवर्ड, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि इससे हम अगली बार लॉगिन करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर होने के बाद हर बार आपको लॉगिन करना है, जैसे ही वेबसाइट पर आओगे एग्ज़ाम देने लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम ईमेल आईडी डालते हैं। अभी ईमेल आईडी रहेगी कोई भी डाल लीजिए, आपकी जो ईमेल आईडी करेक्ट है, करेक्ट डालोगे तो उससे क्या होगा, भविष्य में आप कभी अपना पासवर्ड भूल गए तो वो पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हो वहाँ से। अगर भूल गए और आपने ईमेल आईडी भी गलत डाली है तो फिर वो बेकार हो जाएगा, तो प्लीज़ सही डालें। बस तो सपोज़ करो मेरी ईमेल आईडी है अभी जैसे ram123@gmail.com, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर आप अपना सही डालें, मेरा मोबाइल नंबर ये है 9788 ये, और जेंडर अपना चूज़ कर दें मेल। कोचिंग नेम, अब यहाँ पे कोचिंग नेम वही चूज़ करोगे जो आपका है, जिसमें आप में जाना चाहते हो, जिसके आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। सपोज़ करो इंग्लिश रिसर्च सेंटर को जाना चाहते हो, तो इंग्लिश रिसर्च सेंटर टाइप करोगे ना तो वो सजेशन में आएगा, तो सजेशन में आएगा वहाँ से चुनना है। जैसे यहाँ पे सपोज़ करो आप और कोई कोचिंग एविएटर चुनना चाहते हो, एविएटर। सपोज़ करो आप KS अकेडमी चुनना चाहते हो, तो जिसको चुनना चाहते हो उसका पहला लेटर दबाएं और सारी सजेशन में आ जाएंगे। तो सपोज़ करो हम यहाँ चुनेंगे इंग्लिश रिसर्च सेंटर, तो मैंने इंग्लिश रिसर्च सेंटर चुना। उसके बाद पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड रखेंगे, जैसे मान लो मैं रख रहा हूँ 123456। फिर कंफर्म पासवर्ड 123456, ये पासवर्ड याद रखना है और ये मेल याद रखनी है। अगर इनमें आपकी स्पेस का भी या कॉमा का भी गलती हुआ तो ये नहीं लेगा, तो प्लीज़ इसको सही से याद रखें, ठीक है। ये होने के बाद खुद को रजिस्टर कर दो, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। फिर क्या करेंगे हम, लॉगिन, मैंने लॉगिन दबाया, जो आपने ईमेल डाली थी वो ईमेल डालेंगे ram123@gmail.com। सब वैसा का वैसा ही लिखना है, अगर कुछ भी छोटा बड़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है सही से। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना, लॉगिन है ना। लॉगिन होने के बाद अब हम ये हमारा एग्जाम शुरू करना है यहाँ से। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम को अपने अकाउंट में लेंगे, तो फ्री पे क्लिक करेंगे, फ्री। फिर ये मांगेगा डू यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब दिस पैकेज, येस योर ओके वट एवर, ओके। अभी आपका हुआ सब्सक्राइब, अब कहाँ से एग्ज़ाम देना है, ये जो तीन डॉट है ना ऊपर कोने में उन पे जाना है, उस पे से फिर माई एग्ज़ाम पे जाना है। माई एग्ज़ाम से जाके स्टार्ट एग्ज़ाम करना है आपको। स्टार्ट एग्ज़ाम में मांगेगा आपसे पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराएंगे कोचिंग वाले, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस कोचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो एग्ज़ाम का हर एक पर्टिकुलर पासवर्ड अलग रहेगा, वो एडमिन देगा आपको। तो एडमिन ने पासवर्ड रखा है इसका, कैसे
कैपिटल में इंग्लिश रखा है अभी, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश से ओके करेंगे। अब देखो ये ओपन नहीं हुआ, ये ऊपर एक पॉपअप आया, पॉपअप ब्लॉक्ड, ये सभी के में लगभग पॉपअप ब्लॉक्ड रहते हैं, तो आपको इसको क्या करना है, ऑलवेज शो करना है। ऑलवेज शो कर दिया, फिर से एग्जाम, ये सिर्फ वन टाइम करना है, ठीक है, एक बार हो गया फिर चलता रहेगा, ऐसे करो। किसी किसी को पॉपअप नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, अपना क्रोम की सेटिंग खोलेंगे, क्रोम की सेटिंग में साइड सेटिंग पे जाएंगे, साइड सेटिंग में ये ना पॉपअप ब्लॉक ये वाला, इसको अलाउ कर देना है। तो मेरा क्या है, इस साइड के लिए अभी अभी हमने अलाउ किया था, इनमें ये अलाउ है एक्सेप्शन दिस, ठीक है, ये अलाउ है। अगर नहीं है तो यहाँ आके ऑन कर सकते हो, जैसे ये ऑन हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट एग्जाम। अब पॉपअप वाला झंझट खत्म, जो पासवर्ड डाला था वो डालेंगे ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश। अब मेरा एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, एग्ज़ाम चालू हो गया। जैसे ही एग्ज़ाम चालू होगा ना तो आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड पर डाल दो, मतलब या डेस्कटॉप साइड पर डाल दो, और इसको रख लो तिरछा, ठीक है, फिर देखो कितना अच्छा लगता है इस तरीके से, ठीक है, यूँ। अब किसे देंगे, माउस से एग्ज़ाम, माउस लगा लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे चालू नहीं हुआ मेरा माउस, कोई नहीं, अब हो जाएगा। हाँ देखो, अब ना ऐसा फील आएगा बिल्कुल रियल एग्जाम में बैठे हो गए आप। सपोज करो ये इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, क्या होता है, माइक्रोस्कोप, सेव एंड नेक्स्ट। द पिक आउट द सिनोनिम, प्रोविजनल, सिनोनिम का प्रोविजनल मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं ऐसे ही बुद्धू सा हूँ, तो कोई नहीं, सेव एंड नेक्स्ट। इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो स्क्रॉल करके, मोबाइल की डिस्प्ले पे ऐसा दिखेगा आपको, लैपटॉप या उसको हो तो बहुत अच्छी बड़ी बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है आप क्या करोगे, फाइनल सबमिट, ठीक है, फाइनल सबमिट कर दिया, यस, गो टू होम पेज। अब जो आपने अपना एग्ज़ाम दिया है ना उसका रिजल्ट देखोगे, अपने अकाउंट में जाओगे, अकाउंट में जाके अपना एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्ज़ाम रिजल्ट में शो रिपोर्ट में जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका अपनी अपनी मार्कशीट देख सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने दिया था, स्टूडेंट आंसर तीसरा दिया और इसका तीसरा ही सही है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट है, ये मेरा गलत हो गया। देखो ये इसका आंसर ये है लेकिन मैंने ये किया है तो ये गलत हो गया है, ठीक है। इस हिसाब से अपनी मार्कशीट को प्रिंट और वो एक्सपोर्ट और PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। यहाँ से अपने पासवर्ड वासवर्ड चेंज कर सकते हो, चेंज पासवर्ड, प्रोफाइल में नेम वेम चेंज कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि आपको कभी भी कोई नया बंदा एग्ज़ाम देता है तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन किस में करेगा, वो अपनी कोचिंग में करेगा, और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद रखेगा। ये हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो ईमेल आईडी थी और जो पासवर्ड था उनसे वो लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद अपना सब कुछ एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो करके लाएगा। उसके बाद एक पॉपअप ब्लॉक वाला जो बताया था उसको देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ आती है तो नहीं, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, बाकी सब ठीक है, बाकी एडमिन देगा। जय हिंद, जय भारत।